हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं, बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है MHI-03 इतिहास लेखन। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है पंकज प्रतियोगिता, एक बार सर्च करके जरूर देखें। चलते हैं, शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। आप सूक्ष्म इतिहास से क्या समझते हैं? इतिहास लेखन की इस परंपरा से संबंधित इतिहासकारों और उनके कार्य की चर्चा कीजिए। ये प्रश्न नंबर 4 है, इसी का आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर ऐसा सवाल ना आए तो पूछ सकता है, सूक्ष्म इतिहास का उल्लेख कीजिए, सूक्ष्म इतिहास का विवरण दीजिए, प्राचीन समय में सूक्ष्म इतिहास क्या था, इस तरह से आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म इतिहास, यह इतिहास का स्थानीय और मौखिक इतिहास से जिज्ञासा पर संबंध है। जी हाँ, सूक्ष्म इतिहास यह इतिहास का स्थानीय और मौखिक इतिहास से जिज्ञासा परक संबंध है। यह स्थानीय इतिहास से मेल खाता है क्योंकि इसका विषय स्थानीयता से संबंधित है। इसके स्थानीय स्रोत हैं एक मूल और दूसरा प्राकृति। इसके स्थानीय इतिहास के प्रमुख विषय हैं मौखिक स्रोत, लोक कथाएं, पारंपरिक और स्थानीय अंकन। ये बृहद स्तर पर सूक्ष्म इतिहासकारों द्वारा प्रयोग किया जाते हैं। M.M. पोस्टन ने सूक्ष्मदर्शी और लघु ब्रह्मांडीय अध्ययन में विभेद किया था। सूक्ष्मदर्शी अध्ययन स्थानीय महत्व और रुचि तक बंधे रहते हैं। ब्रह्मांडीय अध्ययन बृहद संदर्भ में स्थित लघु क्षेत्रों के अध्ययन है। इस दृष्टिकोण से स्थानीय इतिहास का अधिकतर भाग सूक्ष्मदर्शी अध्ययन है, जबकि सूक्ष्म इतिहास पूर्ण रूप से लघु ब्रह्मांडीय पद्धति का अध्ययन है। इतिहास लेखन के इतिहासकारों और उनके काल। सूक्ष्म इतिहास के बहुत चर्चित इतिहासकार इतिहासकार कालों जी गिंजबर्ग ने कहा है कि इस शब्द का प्रयोग अमेरिकी विद्वान जॉर्ज एट गेटिसबर्ग ने अपनी पुस्तक विकेट्स चार्ज ए माइक्रो हिस्ट्री ऑफ दी फाइनल चार्ज एट मेटीसबर्ग 3 1863 1959 में है। मतलब पृष्ठ नंबर दर्शाने से होता क्या है, इससे पता चलता है कि ये लड़का पढ़ा है और किस नंबर में है। उस समय इतिहास में यही समय था, लिखा हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। चार्ज एट गेटिसबर्ग 3 1863 1959 में है, अंकित है। स्टीवर्ट ने प्रथम बार इस शब्द का प्रयोग किया। पुस्तक एक घटना पर केंद्रित है जो लगभग 20 मिनट तक हुई। लुई गोंजलेज ने सूक्ष्म इतिहास का इतिहास शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक के उपशीर्ष के रूप में किया है, जो 4 शताब्दियों तक मैक्सिको के एक छोटे विस्तृत गांव में हुए परिवर्तन के अनुभव से संबंध रखता है। उन्होंने कहा कि यह शब्द 1960 ईस्वी में फर्नांड ब्रोदेल के द्वारा भी प्रयुक्त हुआ है, किंतु ब्रोदेल के लिए इसमें नकारात्मक अर्थ था और घटनाओं के इतिहास के समानार्थी था। यह शब्द 1965 में रेमंड केन्यू के उपन्यास में भी आता है। इस पुस्तक का 1967 में इटालो केल्विनो द्वारा इतवाली में अनुवाद हुआ। इस पुस्तक से और प्राइमो लेवी के पीरियाडिक टेबल से यह शब्द लगातार कुछ प्रकार के ऐतिहासिक व्यवहार के लिए प्रयुक्त होता रहा है। जिओवानी लेवी पहले इतावली इतिहासकार थे जिन्होंने इस शब्द का लगातार प्रयोग किया। सूक्ष्म इतिहास इटली में 1970 और 1980 के दशक में
उभरा, यद्यपि इसके समानार्थी शब्द जर्मनी में अल्टा मर्शिटे था, दैनिक जीवन का इतिहास और फ्रांस में था तथा अमेरिका में नए सांस्कृतिक इतिहास के रूप में उपलब्ध था। ये इतावली सूक्ष्म इतिहासकार ही हैं जिन्होंने इस तरह के इतिहास को लिखने का आधार तैयार किया। कुछ इटालियन इतिहासकार जिन्होंने सूक्ष्म इतिहास शब्द को अपने लेखन में लेखन से प्रसिद्ध बनाया, वे निम्न इतिहासकार हैं: कार्लो गिंजबर्ग, जियोवानी लेवी, कार्लो पोनी, एडो डोंगेडी और गियाना पोमाटा। गिंजनबर्ग का दी चीज एंड वर्म्स, दी कॉस्मोस ऑफ ए रिएक्टेंस सेंचुरी मिलियन, दी एनिग्मा ऑफ पियोरो डेला फ्रांसिको, ये सब इत्यादि जो थे पुस्तक के नाम हैं, ये सब याद रखने की जरूरत है। तीसरे नंबर बढ़ते हैं और न भी याद रखें तो आगे बढ़ जाएं। एस्टे फोंसेका और एक्टेस्टेज डेसिफरिंग ऑफ एन एक्सोसियर्स, इस इतिहासकार इतिहास लेखन परंपरा की कुछ प्रतिनिधि पुस्तकें हैं। इटलियन जर्नल कवायदनी स्टोरीजी ने अपनी अपनी संस्थापना से ही इतिहास लेखन परंपरा के इस श्रृंखला में कार्य किया है। फिर भी सूक्ष्म इतिहास एक बृहद परंपरा का अंग है जिसमें व्यक्तिगत अध्ययन और स्थानीय अध्ययन शामिल है। वे हैं फ्रांस में इमानुअल ले रॉय लादुरी, जर्मनी में हैंस मेडिक और अमेरिका में रॉबर्ट डॉन्टर्स और नताली जेमन डेविस। सूक्ष्म इतिहासकारों के अनुसार इतिहास को समान लोगों के लिए उपलब्ध करना चाहिए जो अन्य पत्तियों में नजरअंदाज किए गए हैं। आगे और छोटे समूह के स्तर पर ऐतिहासिक कारणों को प्रसारित करना जहां अधिकांश जीवंतता होती है, लेकिन पूरी तरह से इतिहासकारों और समाज वैज्ञानिकों का पक्ष लेते हैं जो विश्वास करते हैं कि पाठ यथार्थ है और इसे समझना संभव है। अतः सूक्ष्म इतिहास न सिर्फ अर्थों के बोधन से संबंधित है अपितु संकेत परक विश्व की अनेकार्थ की परिभाषा से संबंधित है। इनके लेवी लिए सूक्ष्म इतिहास उत्कृष्ट ढंग से उत्तर आधुनिक सापेक्षतावाद और विश्लेषणात्मक समाज विज्ञान के सिद्धांत के बीच सामंजस्य पैदा करता है। जिंगबर के अनुसार सूक्ष्म इतिहास संशयवादी निर्णय का एक स्पष्ट अस्वीकार है जो अत्यधिक रूप से 1980 और 1990 के दशकों के प्रारंभ में यूरोप और अमेरिका के इतिहास लेखन में उपस्थित था। यह संदर्भ पर केंद्रित है न कि टुकड़ों के पृथक चिंतन पर। यह जिसे एंडोडो ग्रैंडी नामक विचारकों ने अपवाद रूपी सामान्य का नाम दिया। सैद्धांतिक रूप से जैसा कि लेवी ने कहा है कि इसे परिलक्षण के स्तर में कमी के आधार पर व्यवहार सूक्ष्मदर्शी विश्लेषण करके और दस्तावेजी सामग्री पर गहन सूक्ष्म इतिहास के लिए माप की कमी एक विश्लेषणात्मक पद्धति है जिसे कहीं भी स्वतंत्र रूप से उद्देश्य विश्लेषण की दृष्टि से प्रयोग किया जा सकता है। सूक्ष्म इतिहासकार मानते हैं कि यह सिर्फ लघु स्तर है कि कई मूल्यों और विश्वासों की वास्तविक
प्रकृति जो लोगों में होती है उसे उद्घाटित किया जा सकता है। रोजर चार्टियर गिंजबर्ग की पुस्तक द चीज एंड द वॉर्म्स के बारे में कहते हैं कि सूक्ष्म इतिहास कम माप और संभवतया केवल इस माप पर जिसमें और संभवतया केवल इस माप पर जिन्हें हम विश्वास की प्रति मूल और प्रतिनिधित्व तथा सामाजिक मेल के बीच संबंध के रूप में समझ सकते हैं। क्लिफोर्ड गिर्ज ने नेतृत्व प्रदान किया जिनके बृहद वर्णन की पत्ति इन इतिहासकारों के कार्यों में परिलक्षित होती है। फिर भी दोनों में कई बिंदुओं पर भेद भी है। सूक्ष्म इतिहासकार सिद्धांत को अधिक महत्व देते हैं अपेक्षाकृत गिर्ज और उनके अनुयायियों के। सापेक्षता की दिशा में वे बहुत आगे नहीं जाना चाहते और अंत में वे गिर्ज के काम में संस्कृति की एक समान संकल्पना की आलोचना गिर्ज के काम में करते हैं। लेवी सूक्ष्म इतिहासकार के प्रमुख अभिलक्षण को संक्षेप में कहते हैं, लघु स्तर पर ध्यान देना। दूसरा, तर्क के प्रति विवाद। तीसरा, वैज्ञानिक प्रतिमान के रूप में लघु संकेत। चौथा, विशिष्ट की भूमिका फिर भी समाज के विरुद्ध नहीं। कथन और आख्यान पर ध्यान। छठा, संदर्भ की विशिष्ट परिभाषा। और सातवां, सापेक्षतावाद का अस्वीकार। डियाना पोमाटा के अनुसार सूक्ष्म इतिहास एक चकित करने वाली इतिहास की दृष्टि है जो पूरी तरह से समाज विज्ञान के जाति कठिन स्तर पर है, जबकि अथायित्व और दृष्टि की तीव्रता से कला के निकट है। सूक्ष्म इतिहासकारों के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि यह एक सचेतना चुनाव है और न कि एक सैद्धांतिक फिसलन या भटकाव। निष्कर्ष, जितने भी सूक्ष्म इतिहास उसका निष्कर्ष है, सूक्ष्म इतिहास आम लोगों और स्थानीयता पर प्रकाश डालता है, लेकिन इसमें कुछ भी परंपरागत नहीं है। यह बृहद स्तर के इतिहास से मोहभंग की परिवर्तित आधुनिक प्रतिक्रिया है। 1970 और 1980 के दशक से शुरू होकर सूक्ष्म इतिहास छोटे समूहों, व्यक्तियों और इकाइयों पर प्रकाश डालता है। सूक्ष्म इतिहासकारों ने माना कि सिर्फ इस सिद्धांत पर यथार्थ या वास्तविकता को समझना संभव है। यहाँ तक बने के बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ तक बने रहे, शुक्रिया। थैंक यू।